हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन आवर टुडेज लेक्चर. आज के लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज वी विल सी अ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर ऑन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. मींस कि अगर कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है हमारे सराउंडिंग में और उसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम प्लेस करते हैं, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या इफेक्ट होगा. बेसिकली इनिशियली हमने देखा था मैग्नेटिज्म में कि कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट अगर है तो वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग एलिमेंट है आई डेल्टा एल, तो ये सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे और सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. अब ये करंट कैरिंग एलिमेंट कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हमने देखा था कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हमारे सराउंडिंग में जनरेट होता है. उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था. नाउ अगर वो करंट कैरिंग एलिमेंट एक स्ट्रॉन्ग इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट रॉड है, इस केस में वो सराउंडिंग में कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा. मींस कोई भी अगर करंट कैरिंग एलिमेंट है, वेदर वो एलिमेंट स्मॉल है या बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल करंट कैरिंग सर्कुलर लूप या करंट कैरिंग लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर, सो कोई भी करंट कैरिंग अगर एलिमेंट है वो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा करेगा. सेकेंडली, अब किसी चार्ज को, जैसे सेकेंड केस हमने क्या देखा था कि कोई भी मूविंग चार्ज है उसको अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड पर रखते हैं तो उस पर फोर्स जनरेट होगा. फॉर एग्जाम्पल कोई मूविंग चार्ज क्यू है, ये वेलोसिटी वी से अगर मूव कर रहा है, सो इन दैट केस जो फोर्स लगेगा चार्ज पे, दैट इज क्यू वी क्रॉस बी, ये वेक्टर क्वांटिटी वी. सो मींस कोई भी अगर मूविंग चार्ज क्यू एक मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जो कि दैट इज गिवन बाय एक्सप्रेशन क्यू इंटू वी क्रॉस बी. नाउ अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लेते हैं, सो करंट कैरिंग कंडक्टर को एक सिंपल हम समझ सकते हैं. करंट कैरिंग कंडक्टर का क्या मतलब हुआ? करंट कैरिंग कंडक्टर मींस कि हमारे पास एक लॉन्ग इनफाइनाइट कंडक्टर है, इससे करंट फ्लो हो रहा है. नाउ करंट का फ्लो करने का मतलब क्या हुआ अगर एक इसको माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? सो करंट फ्लो होने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, यानी जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्टर में वो मूव कर रहा है. सो करंट हम इस सेंस में बोल सकते हैं कि करंट किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है. इट मींस क्या हुआ कि उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है जिसके कारण करंट प्रोड्यूस हुआ, हमने टर्म दिया करंट फ्लो हो रहा है. सो बेसिकली करंट फ्लो होने का मतलब क्या हुआ इस कंडक्टर में कि चार्ज पार्टिकल इस कंडक्टर में मोशन कर रहे हैं. नाउ अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यानी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास प्रेजेंट है, इसको क्रॉस से नोट करता हूं मैं, ये मैग्नेटिक फील्ड बी प्रेजेंट है, इसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखने पे इस कंडक्टर पे क्या इफेक्ट होगा. नाउ अगर माइक्रोस्कोपिक पॉइंट से देखें तो करंट फ्लो होने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है. तो हम कह सकते हैं एक मूविंग इलेक्ट्रॉन को या मूविंग चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या इफेक्ट आता है. सो जब भी एक मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में हम प्लेस करते हैं तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है. सो अगर क्योंकि करंट है तो काफी इलेक्ट्रॉन से फ्लो हो रहा है, यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगेगा इस मैग्नेटिक फील्ड में, सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा. सो कलेक्टिवली हम कह सकते हैं कि जो करंट इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो बेसिकली किस वजह से, इलेक्ट्रॉन के मोशन से. तो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स लगेगा. तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने का मतलब क्या हुआ कि इस कंडक्टर पे फोर्स लगेगा. तो बेसिकली कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट होता है वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है. जब उसी करंट कैरिंग एलिमेंट को हम मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट करते हैं तो उस करंट कैरिंग एलिमेंट पे फोर्स एग्जिबिट होता है, यानी फोर्स एक्सपीरियंस होता है. तो बेसिकली ये टॉपिक हमारा है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी एक करंट कैरिंग कंडक्टर हमारे पास है, इसको हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं. जिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगेगा, फोर्स जनरेट होगा. सो देखेंगे हम कि फोर्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हुआ, कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है, किस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स का नेचर क्या है. तो इस पूरे लेक्चर में हम इस पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे. सो बेसिकली
हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक लॉन्ग इनफाइनाइट रॉड है. लॉन्ग इनफाइनाइट रॉड ना कंसीडर करके हम कहते हैं लेट अस कंसीडर हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ है एल. रॉड ऑफ लेंथ एल. एरिया जो क्रॉस सेक्शन की एरिया है दैट इज ए. सेकेंडली हमारा एजम्पशन ये है और इससे जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज आई. यानी ये एक जो करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारे पास उससे करंट आई फ्लो हो रहा है और इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस कंडक्टर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए. लेंथ है एल और जिस मैग्नेटिक फील्ड में इस कंडक्टर को प्लेस किया गया दैट इज बी. नाउ एक और हमारा एजम्पशन है कि लेट अस कंसीडर द चार्ज प्रेजेंट चार्ज डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं दैट इज चार्ज कैरियर की डेंसिटी अगर बात करते हैं क्योंकि जो करंट के फ्लो होने का मेन कारण क्या है इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का यानी मोबाइल चार्ज कैरियर. सो जो चार्ज कैरियर है उसकी डेंसिटी लेट अस कंसीडर दैट इज एन. लेट स्मॉल एन बी द डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर. डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन कंडक्टर मींस एक यूनिट वॉल्यूम इस कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में एन अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर है. एन अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है जो कि मूव कर रहा है. सो दिस इज अगेन इसको अगर हम सम करें तो बेसिकली हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिससे कि आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है. इस कंडक्टर की क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ए और लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर इज एल. नाउ इस करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में प्रेजेंट किया. सो इन दैट केस अब हमारे इस करंट कैरिंग कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स है. फॉर एग्जांपल चार्ज कैरियर्स है. अब ईच चार्ज कैरियर पे फोर्स लगेगा. एक चार्ज मूव कर रहा है तो एक चार्ज जो मूव कर रहा है उस पर फोर्स कितना लगेगा. यानी फोर्स को हम बात करते हैं किसी भी मूविंग चार्ज पे फोर्स लगता है क्यू इंटू बी क्रॉस बी. नाउ इस पे टोटल कितना चार्ज है. अगर चार्ज की कैरियर की डेंसिटी वॉल्यूम डेंसिटी की हम बात करें यानी एन यानी यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कितना है एन. सो वी कैन से यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कितना है चार्ज कैरियर इज इक्वल टू एन. सो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कितना होगा. टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इज इक्वल टू एन इंटू टोटल वॉल्यूम. एन क्या है चार्ज डेंसिटी चार्ज कैरियर की वॉल्यूम डेंसिटी यानी यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज कैरियर प्रेजेंट है दैट इज एन. और टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर यानी इस पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर है टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर दैट इज एन इंटू वॉल्यूम. अब वॉल्यूम कितना होगा. क्रॉस सेक्शनल एरिया इस कंडक्टर की ए. लेंथ है एल. सो वॉल्यूम विल बी ए एल. सो ये टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है यानी इस पूरे कंडक्टर की अगर माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो इस टोटल नंबर टोटल कंडक्टर में इस पूरे कंडक्टर में जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है दैट इज एन इंटू ए इंटू एल. नाउ एज वी नो वी कैन से इस जैसा कि हम देखते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर है इसको एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने प्लेस किया तो उस पर फोर्स लगेगा. फोर्स किस वजह से. बिकॉज हर चार्ज कैरियर पे फोर्स लग रहा है. एक चार्ज मूविंग चार्ज है इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है तो ये इस चार्ज पे फोर्स लगेगा. हर चार्ज कैरियर पे फोर्स लग रहा है तो टोटल इफेक्ट इसका हम कैलकुलेट करेंगे यानी यूनिट चार्ज पे जो फोर्स है यूनिट चार्ज पे फोर्स कितना है क्यू वी क्रॉस बी. यानी जो टोटल फोर्स होगा एफ नेट की अगर हम बात करें दिस इज एफ नेट. यानी एफ नेट क्या होगा टोटल चार्ज पे फोर्स. तो टोटल चार्ज कितना है एन इंटू ए इंटू एल चार्ज कैरियर. दिस इज एन ए एल बी क्रॉस बी. लेट अस कंसीडर ये तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है तो जो क्यू होगा टोटल क्यू होगा वो क्या होगा ई एन ए एल. यानी चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन क्या हुआ ई और टोटल नंबर ऑफ चार्ज है एन इंटू ए इंटू एल. तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज जो प्रेजेंट होगा दैट इज ई इंटू एन इंटू ए इंटू एल.
Now let us consider कि जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड है, वेलोसिटी ना, एवरेज स्पीड है जो इलेक्ट्रॉन की, दैट इज गिवन बाय एक्सप्रेशन. लेट अस कंसीडर जो एवरेज स्पीड है इलेक्ट्रॉन की, जो एवरेज स्पीड है दैट इज बीडी. नाउ अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, अगर इसमें हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अक्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड लेट अस कंसीडर ये आउट ऑफ प्लेन है, इनसाइड प्लेन है, जो दोनों परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड यानी करंट का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगा मोशन का. तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है. इन दैट केस वी क्रॉस बी क्या होगा, वी बी साइन थीटा, थीटा 90 है तो वी क्रॉस बी इक्वल टू वी बी. सो हम लिख सकते हैं एफ एन यानी एफ नेट इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड की अगर बात करते हैं, दिस इज ई एन ए एल वी डी बी साइन 90 डिग्री. साइन 90 डिग्री की वैल्यू हो गई 1. सो द एक्सप्रेशन हमारे पास जो आया टोटल नेट फोर्स का दैट इज बी डी बी. नाउ अगर इस एक्सप्रेशन को हम देखें तो देर इज अ टर्म कॉल्ड करंट डेंसिटी. इलेक्ट्रोस्टैटिक में करंट चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में एक टर्म था करंट डेंसिटी जे, जिसको हम जे से डिनोट करते हैं. जे एक वेक्टर क्वांटिटी है. जे की वैल्यू कितनी होती है, जे की वैल्यू होगी ई एन एल वी डी, सॉरी ई एन वी डी. जे की वैल्यू होती है ई एन वी डी. ये हुई जे की वैल्यू. नाउ फोर्स नेट को हम ई एन वी डी की जगह जे लिख सकते हैं. सो दिस इज एफ नेट इज इक्वल टू जे, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं ए एल बी. इस एक्सप्रेशन को अगर अगेन हम देखते हैं तो जे इंटू ए यानी करंट डेंसिटी इंटू एरिया क्या हुआ, करंट आई. सो वी कैन से करंट जे होता है हमारा ए बाई आई. सो वी कैन से दैट इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू, सो वी कैन से सॉरी जे इज इक्वल टू आई बाई ए होता है. सो वी कैन से आई इज इक्वल टू जे इंटू ए. सो इस एक्सप्रेशन में एफ नेट जे ए की जगह हम लिख सकते हैं आई एल, आई और दे हो गया एल क्रॉस बी. सो जो मैग्नीट्यूड होगा, जो फोर्स, जो नेट फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस पे जो फोर्स लग रहा है नेट फोर्स दैट इज आई एल बी. अगर इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म में जो नेट फोर्स हमारे पास आता है दैट इज एफ नेट इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ये वेक्टर क्वांटिटी. सो दिस इज द नेट फोर्स का एक्सप्रेशन है. यानी कोई भी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम प्लेस करते हैं, सो इन दैट केस जो नेट करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगेगा और जो नेट फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक्सपीरियंस हो रहा है दैट इज एक्सप्रेशन पे एफ नेट इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी. बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन हमारा आया है वो एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हमने डिराइव किया है, स्टेट कंडक्टर के लिए जिसमें सिमेट्री है. अगर स्टेट कंडक्टर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर सेफ है, तो इन दैट केस हम स्प्लिट करते हैं कि पूरे जो कंडक्टर होगा जो भी सेफ का होगा उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट पे हम स्प्लिट करेंगे और एक स्मॉल लेंथ ऑफ कंडक्टर के लिए पहले फोर्स निकालेंगे. फॉर एग्जाम्पल इन दैट केस वी कैन से दैट जो एफ नेट होगा विल बी, इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ डीएल आई डीएल क्रॉस बी. यानी ये आई जेथ एलिमेंट लेते हैं, दिस इज जे. सो बेसिकली अगर सिमेट्री है, ये जो एक्सप्रेशन हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन जो डिराइव किया है वो एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए रिवाइव किया है. यानी एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उस पर सिमेट्री है और वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है और कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है आई, इन दैट केस जो नेट फोर्स लगेगा उस कंडक्टर पे दैट इज आई एल, वेक्टर आई एल क्रॉस वेक्टर बी, यानी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है. नाउ
अगर सिमेट्री नहीं है, यानी जो कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें सिमेट्री नहीं है, इन दैट केस उस कंडक्टर को हम स्मॉल स्मॉल पार्ट में एज्यूम करते हैं, स्प्लिट करते हैं, और स्मॉल पार्ट के लिए पहले फोर्स निकालेंगे और एग्रीगेट सम करेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन, कह सकते हैं इंटीग्रेशन और समेशन करते हैं स्प्लिट करके. नाउ अगर हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को देखें, सो बेसिकली एफ नेट वेक्टर, एफ नेट क्या हुआ, आई एल क्रॉस बी. नाउ आई एल एक वेक्टर है जो कि करंट के डायरेक्शन में है, आई एल वेक्टर जो होता है वो करंट के डायरेक्शन में है, और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हुई, करंट इनटू लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर. अगर मैग्नीट्यूड की हम बात करते हैं फोर्स की मैग्नीट्यूड की, तो दैट इज आई एल बी साइन थीटा. साइन थीटा डिटरमाइनिंग फैक्टर है, मींस कि अगर कोई कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यानी प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि हर केस में उस पर फोर्स लगेगा ही लगेगा. ये टोटली डिपेंड करता है साइन थीटा. साइन थीटा क्या है, एंगल बिटवीन करंट वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड. यानी अगर करंट वेक्टर यानी आई एल जो वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, यानी इसे फर्दर देखते हैं, सो लेट अस कंसिडर इफ केस वन, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, 0 और 180 डिग्री, इन दोनों केस में मीन्स क्या हुआ कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो या तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल है, या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के एंटी पैरेलल है. सो इन बोथ केस इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, देन साइन थीटा इज इक्वल टू 0. अब साइन थीटा 0 हो गया तो फोर्स क्या हुआ, 0. इट मींस कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें ज्यादा करंट फ्लो रहा है, दैट डजंट मैटर, और उसको किसी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम अगर प्रेजेंट करते हैं, यानी उसको रखते हैं, सो अगर उस करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखते हैं या मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल डायरेक्शन में रखते हैं, इन दोनों केस में जो नेट फोर्स होगा, जो नेट फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर पे होगा, दैट इज 0. मीन्स कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल रखा गया हो तो उस पे जो नेट फोर्स होगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण, दैट इज 0. दिस इज द केस वन. नाउ वी विल टॉक अबाउट द केस सेकंड. केस सेकंड देखेंगे हम, लेट अस कंसीडर इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. नाउ अब क्या हुआ कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दिया, यानी दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन और करंट जो कंडक्टर से फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है. इन दैट केस साइन थीटा विल बी 1, क्योंकि साइन थीटा 1 हो गया तो जो फोर्स होगा दैट इज आई एल बी, ये मैक्सिमम फोर्स होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा क्या हो सकती है, 1, और इस केस में साइन थीटा 1 है, सो वी कैन से दैट जो मैक्सिमम फोर्स उस कंडक्टर पे लगेगा दैट इज आई एल बी. नाउ अगर थीटा ना ही 0 है ना ही 180 है और ना मीन्स नाइदर परपेंडिकुलर है ना पैरेलल और एंटी पैरेलल है, सो इन दोनों केस के अलावा अगर थीटा कोई वैल्यू एग्जिबिट कर रहा है तो कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो मैक्सिमम से कम होगा. सो मैक्सिमम वैल्यू हम कह सकते हैं फोर्स का क्या होगा, फोर्स मैक्स इज इक्वल टू आई एल बी, और मिनिमम फोर्स वी कैन से दैट 0. अब हम बात करते हैं डायरेक्शन. ये तो क्लियर हो गया कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड है हमारा एक्सटर्नल, उसमें एक कंडक्टर को रखते हैं जिससे करंट फ्लो हो रहा है, उस केस में करंट पे फोर्स लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है, इट्स डिपेंड ऑन कि दोनों के बीच का एंगल क्या है, यानी करंट जो कंडक्टर में फ्लो हो रहा है वो और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है. अगर करंट जो कंडक्टर से फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन 0 और 180 के अलावा है, यानी पैरेलल नहीं है ना ही एंटी पैरेलल है, तो उस कंडक्टर पे फोर्स लगेगा. नाउ कितना मैग्नीट्यूड होगा उसका, दैट वी कैन सी आई एल बी साइन थीटा. मैक्सिमम केस में क्या होगा, आई एल बी.
अब हम देखेंगे कि डायरेक्शन क्या होगा, उस फोर्स का डायरेक्शन क्या है। तो बेसिकली डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट अस कंसीडर कि हमारे पास एक कंडक्टर है, इससे करंट आई फ्लो हो रहा है। अगर कंडक्टर से आई करंट फ्लो हो रहा है तो आई एल वेक्टर की डायरेक्शन भी यही होगी। इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर हमने प्लेस किया, मैग्नेटिक फील्ड हमारा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्रॉस से रिप्रेजेंट है, मीन्स इट इज इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। सो बेसिकली जो ये मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है बी और डायरेक्शन क्या है इनसाइड द प्लेन। सो जो फोर्स एग्जिबिट होगी दैट इज गिवन बाय एक्सप्रेशन आई एल क्रॉस बी, बी वेक्टर। आई एल करंट का डायरेक्शन है टुवर्ड्स अबव द वाई एक्सिस हम कह सकते हैं। सो दिस इज, अगर ये करंट का डायरेक्शन है तो आई एल वेक्टर का भी डायरेक्शन ये होगा, और वेक्टर बी यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है बी, उसका डायरेक्शन क्या है आउट इनसाइड द प्लेन। सो जो फोर्स फाइनली जो फोर्स ऑब्टेन होगा कंडक्टर पे, उसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय राइट हैंड थंब रूल? मीन्स थंब फिंगर को हम हैंड को मीन्स कह सकते हैं फिंगर को आई एल वैक्टर के क्रॉस रखते हैं, फर्स्ट वैक्टर के क्रॉस। सो दिस इज आई एल वैक्टर। फिंगर को कर्ल किस डायरेक्शन में करते हैं? सेकेंड वैक्टर के डायरेक्शन में यानी बी। तो बी का डायरेक्शन इन साइड है, तो दिस इज आई एल वैक्टर और इन साइड हमने कर्ल किया। तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? फोर्स का डायरेक्शन। सो दिस इज फोर्स, इस डायरेक्शन में रहेगा। अगर इसी केस में अगर करंट नीचे फ्लो होता है, मीन्स नेगेटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो इस केस में आई एल वेक्टर ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हम फिंगर को कर्ल किए, थंब डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा? फोर्स। सो इस केस में फोर्स इस डायरेक्शन होगा। यानी इस पूरे अगर कंक्लूजन को हम सम अप करते हैं, मिस कंक्लूड करते हैं, सो वी कैन से कि कोई भी अगर कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको अगर हमने यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस कंडक्टर पे फोर्स लग सकता है, नहीं भी लग सकता है। दैट डिपेंड कि कंडक्टर के करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है रेस्पेक्टिवली, यानी आइदर दे इट इज 0, 180, 90 और समथिंग एल्स। सो अगर कंडक्टर के दोनों का डायरेक्शन यानी करंट वेक्टर, करंट का डायरेक्शन कंडक्टर में और मैग्नेटिक फील्ड जिसमें करंट कंडक्टर प्रेजेंट है उसका डायरेक्शन पैरेलल और एंटी पैरेलल नहीं है, इन दैट केस कंडक्टर पे फोर्स लगेगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन था आई एल बी साइन थीटा, और डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं? राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था कि कंडक्टर पे क्या इफेक्ट होगा। अगर कंडक्टर में सिमेट्री है, जैसे ये केस जो हमने डिराइव किया एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए डिराइव किया, फॉर एग्जाम्पल अगर एक सर्कुलर कंडक्टर है, सर्कुलर कंडक्टर है, उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हम समेशन का यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक सर्कुलर ये शेप का कंडक्टर है, इसको मैग्नेटिक फील्ड बी में हमने प्रेजेंट किया, इस केस में एक स्मॉल एलिमेंट हम कंसीडर करेंगे कंडक्टर का, और इस क्योंकि इस एलिमेंट पे भी करंट करंट फ्लो हो रहा है, करंट आई फ्लो हो रहा है, तो इस एलिमेंट से ही फ्लो हो रहा है। नाउ इस एलिमेंट पे कितना फोर्स लगेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो हम कैलकुलेट करेंगे। सेकेंडली ऐसे ही इस एक एलिमेंट के लिए हमने कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर दिस इज डीएल, ये डीएल एलिमेंट है, तो फोर्स कितना हो जाएगा इस केस में? फोर्स हो जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो आई डीएल बी साइन थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल। नाउ इस डीएल को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं कंप्लीटली, यानी पूरे कंडक्टर के लिए जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें नेट फोर्स ऑब्टेन होगा। सो बेसिकली दिस होल कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू कि फोर्स किसी भी अगर करंट कैरिंग एलिमेंट है, या इधर वो करंट कैरिंग एलिमेंट एक स्मॉल एलिमेंट हो सकता है, या कोई कंडक्टर हो सकता है, या स्टेट कंडक्टर, सर्कुलर कंडक्टर कंडक्टर हो सकता है, उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यानी मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पर फोर्स लगेगा। नाउ अगर वो कंडक्टर स्टेट कंडक्टर है, इन दैट केस जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है उस करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर पे,
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो एक्सप्रेशन क्या हुआ, आई एल क्रॉस बी, फोर्स इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर का है, मींस जो फोर्स होगा वो टोटली डिपेंड होगा एंगल पे। एंगल क्या है इन दोनों के बीच का, करंट कैरिंग कंडक्टर यानी करंट के डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का एंगल क्या है। अगर एंगल 90 है दोनों के बीच तो फोर्स मैक्सिमम रहेगा आई एल बी, और एंगल 0 और 180 है तो फोर्स विल बी 0। डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का, उसको हम राइट हैंड थंब रूल से का यूज करके डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, किस डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रेजेंट है सराउंडिंग में वो किस डायरेक्शन में उस कंडक्टर पे फोर्स लगाएगी। नाउ इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से समझते हैं। लेट अस कंसिडर जो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, कि हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, मीन्स एक स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर है, लॉन्ग नहीं, लेट अस कंसिडर इसकी लेंथ जो है, इस कंडक्टर की जो लेंथ क्वेश्चन में डिफाइंड है या डाटा जो दिया हुआ है, दैट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1.5 मीटर, ये लेंथ है कंडक्टर का। नाउ अगेन द नेक्स्ट इज मास ऑफ कंडक्टर, यानी जो कंडक्टर का मास है दैट इज 200 ग्राम, क्वेश्चन में डाटा है मास इज इक्वल टू 200 ग्राम। नाउ नेक्स्ट इज जो क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज इस कंडक्टर से जो आई करंट फ्लो हो रहा है दैट इज आई, इसकी वैल्यू है 2 एम्पियर। नाउ इस कंडक्टर को हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, नाउ दिस कंडक्टर इज प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, किसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने इस कंडक्टर को रख लिया, इसका डायरेक्शन हम नहीं पता, लेट अस एज्यूम करते हैं कि ये इनसाइड द प्लेन है। नाउ ये कंडक्टर को हमने सराउंडिंग में रखा एक मैग्नेटिक फील्ड में, और ये कंडक्टर सस्पेंडेड है, यानी कंडक्टर जैसा हमने कंडक्टर को रखा कंडक्टर सेम वैसा है, वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। मींस क्वेश्चन क्या था कि एक 1.5 मीटर का कंडक्टर जिससे 2 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो हो रहा है और इस कंडक्टर की मास है 200 ग्राम, इसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख के छोड़ दिया, ये कंडक्टर एज इट इज प्लेस है, मींस वो ना ही गिर रहा है वो सस्पेंडेड है, मींस वो कंडक्टर उसी पोजिशन पे टिल्टेड है। नाउ अब कहीं ना कहीं इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है इस कंडक्टर पे वो जीरो हो रहा है। नाउ फोर्स क्या कहलाएगा इस कंडक्टर पे, अगर हम इसको देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि कंडक्टर का मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको हम बोल सकते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। नाउ कोई फोर्स ऐसा होगा जो इस कंडक्टर पे अपवर्ड लग रहा है, सो दैट वो फोर्स इस ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर बैलेंस कर रहा है, और नेट फोर्स जो कंडक्टर पे जीरो होगा, सो कंडक्टर बैलेंस होगा इन दैट केस में। नाउ अब जो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में इस कंडक्टर को रखा गया है तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, तो वो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन होगा। क्यों फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, बिकॉज कंडक्टर जो हमने प्लेस किया मैग्नेटिक फील्ड में सराउंडिंग में वो सस्पेंडेड है, यानी मीन्स उसको वो उसी एज इट इज उस पोजीशन पे है, वो गिर नहीं रहा है, तो ऑब्वियस बात है ग्रेविटेशनल फोर्स उस कंडक्टर पे नीचे लग रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए ऊपर लगेगा। सो नाउ फोर्स ऊपर लगा, अब इससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो जैसा एज वी नो किसी भी कंडक्टर पे जो फोर्स लगता है दैट इज गिवन बाय एक्सप्रेशन आई एल क्रॉस बी। नाउ करंट का डायरेक्शन आई है इस डायरेक्शन में, सो सिंगल को हमने आई के डायरेक्शन में रखा। नाउ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा कि फोर्स ऊपर लगे, फोर्स का डायरेक्शन थंब देता है, यानी आई है, फिंगल को किस डायरेक्शन में हम कर्ल करेंगे कि ये फोर्स का डायरेक्शन होगा। अगर लेट अस कंसीडर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन है, तो दिस इज करंट, करंट का डायरेक्शन ये हुआ। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, इसको अगर बाहर हम कर्ल करते हैं तो थंब का डायरेक्शन डाउनवर्ड, यानी फोर्स का डायरेक्शन नीचे है, हमें फोर्स का डायरेक्शन ऊपर चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जरूर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन होगा, यानी बोर्ड के अंदर डायरेक्ट होगा, जिससे कि अगर हम देखें राइट हैंड थंब रूल से तो दिस इज आई, और बी के डायरेक्शन में हम कर्ल करते हैं दिस इज आई, दिस इज आई, बी के डायरेक्शन में कर्ल किया थंब ऊपर है, इट मींस फोर्स क्या हुआ, ऊपर हुआ, इट मींस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इनसाइड द प्लेन।
Now, ये तो concept हो गया direction, magnetic field का direction. Now, we have to find out the magnitude. Magnetic field का magnitude exactly हमें find करना है. तो first of all, जो magnetic force लगेगा, उसकी magnitude क्या हुई? यानी इस conductor को हमने magnetic field के presence में रखा, तो जो magnetic force इस conductor पे लग रहा है, Fm, उसकी magnitude है, I L B sin theta. Now, I L की direction है, towards, अगर x axis हम assume करते हैं, towards x axis, B की direction है, inside the plane, यानी negative z axis, तो obviously, दोनों current, current का direction और magnetic field का direction perpendicular है, तो sin theta will be, sin theta will be 90, sin theta will be 1, so this is I L B. अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसको काउंटर बैलेंस कर रहा है mg यानी दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर क्योंकि इस कंडीशन में जो कंडक्टर हमने प्लेस किया है वो एज इट इज उस पोजीशन पे है नेट फोर्स उसमें जीरो है उस पे तो दिस इज fm इज इक्वल टू fg fg की वैल्यू कितनी होगी mg सिंपल वी कैन से mg इज इक्वल टू I L B. Now we can find out B from this expression. इस expression से B हम find out कर सकते हैं. So we can say जो B हमें इस expression से obtained होगा, B is equal to M G by I L. अगर mathematical जो numerical data है, उससे हम put करते हैं, M की value है 200 gram. SI यूनिट में रखेंगे स्टैंडर्ड यूनिट में रखेंगे सारी वैल्यू को दिस इज 0.2 केजी 200 ग्राम इज इक्वल टू 0.2 किलोग्राम ग्रेविटेशनल G की वैल्यू होगी 9.8 दिस इज I करंट की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर लेंथ कितना है कंडक्टर का 1.5 मीटर सो बेसिकली इसको सॉल्व करने पर जो B की वैल्यू होगी दैट इज 4×10⁻¹ टेस्ला Basically that is the value of, sorry, B की जो value होगी 0.65 Tesla, that is 0.65 Tesla. ये B की value में obtained हुई. So, basically इस question में क्या था? कि एक current carrying conductor है, जिससे current I is equal to 2 ampere of current उस conductor से flow हो रहा है, और उस conductor का mass है 200 gram. लेंथ है 1.5 इस कंडक्टर को हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और ये कंडक्टर एज इट इज उस पोजीशन पे बैलेंस है मींस कंडक्टर ना ही नीचे जा रहा ना ही ऊपर वो बैलेंस है तो कोई भी कंडक्टर अगर बैलेंस है सराउंडिंग में इट मींस कि उस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो जीरो है नाउ हमने देखा कि जो नेट फोर्स जो कंडक्टर पे क्या कहलाएगा उस कंडक्टर पे जो फोर्स पहला फोर्स है क्योंकि मास है उस कंडक्टर का तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंस है और कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है इट मींस कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट होता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगा नेट फोर्स जीरो करने के लिए सो नाउ दोनों फोर्स बराबर है यानी एम जी इज इक्वल टू आई एल बी तो बी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं एम जी बाई आई एल दैट इज 0.65 टेस्ला बेसिकली इस क्वेश्चन से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कोई भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में जब हम रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है कैसे किस नेचर का फोर्स लगता है किस डायरेक्शन में लगता है सेकेंड क्वेश्चन जो है दैट इज सिंपल क्वेश्चन लेट अस कंसीडर करते हैं एक सिंपल क्वेश्चन से एक हमारे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है अब ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है इससे करंट फ्लो हो रहा है आई लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो जैसा कि हमने इनिशियली देखा था अपने लेक्चर्स में डिस्कशन में कि कोई भी करंट कैरिंग अगर एलिमेंट है तो वो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा दैट इज कोई भी अमाउंट ऑफ जनरेट करेगा अलग अलग कंडक्टर के लिए हमने एक्सप्रेशन भी डिराइव किया था मींस कि कोई भी सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होगा एक्सिस पे सेंटर पे थर्ड कोई भी इनफाइनाइट लॉन्ग इनफाइनाइट मींस लॉन्ग सो ठीक है इनफाइनाइट स्ट्रेट
करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी कोई भी एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर है, उससे करंट फ्लो हो रहा है, वो अपने सराउंडिंग में कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, दैट वी हैव सीन बाय एक्सप्रेशन. तो वो लेट अस दैट इज बी. अब इस बी का डायरेक्शन भी हम देखें कि कैसे निकालते हैं. किसी भी लॉन्ग कंडक्टर है, करंट फ्लो हो रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बी होगा इस रीजन में, उसका डायरेक्शन निकालने के लिए अगेन राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं. करंट के डायरेक्शन में थंब को पॉइंट करेंगे और फिंगर को कर्ल करेंगे जिस डायरेक्शन में हमें निकालना है. सो अगर हम इधर कर्ल करते हैं तो दिस इज इनवर्ड, यानी यहां जो इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, दिस इज आई, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, आई और फिंगर, फिंगर को कर्ल किया. सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस रीजन में क्या हुआ, इनसाइड द प्लेन. और अगर इस रीजन की बात करते हैं, सो दिस इज करंट आई, करंट आई इस डायरेक्शन में ऊपर, और फिंगर को हम कर्ल करेंगे. तो फिंगर को जब कर्ल किया तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, आउटसाइड द प्लेन. दिस इज डॉट से हम डिनोट कर सकते हैं इसको. नाउ अब इस रीजन में हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर को और प्लेस कर दिया, इससे भी करंट आई फ्लो हो रहा है, दैट इज आई इससे फ्लो हो रहा है, आई डैश हम कह सकते हैं. अब क्या होगा कि ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है. एक पहले हमने एक इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर लिया, उससे करंट फ्लो हो रहा है आई, उसको हमने सराउंडिंग में प्लेस किया. नाउ वो कंडक्टर क्या करेगा, सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा बी. उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक और कंडक्टर को, स्ट्रेट कंडक्टर को फाइनाइट लेंथ का रख दिया. तो अब क्या होगा इस कंडक्टर पे, अब इस कंडक्टर के लिए अगर हम सराउंडिंग देखते हैं तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड. तो बेसिकली इस कंडक्टर के लिए क्या सिचुएशन बना कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट किया. तो जब मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करते हैं तो उस पर फोर्स लगता है. इट मींस इस कंडक्टर के कारण, और वी कैन से दैट इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है. कंडक्टर से करंट आई फ्लो हो रहा है, तो इस कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगेगा. तो ये फोर्स किसके वजह से आया, इस कंडक्टर से. यानी जो फर्स्ट कंडक्टर था वो फील्ड जनरेट किया, और जो सेकेंड कंडक्टर है जिससे करंट फ्लो हो रहा है उससे, उस पर वो फील्ड फोर्स फोर्स जनरेट किया. बेसिकली हम जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट से जनरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सर्कुलर लूप लेते हैं, ऑब्वियस बात है अगर ये सर्कुलर लूप से आई करंट फ्लो हो रहा है तो ये सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा. नाउ इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई एक्सटर्नल एक और सर्कुलर लूप रखते हैं, कोई एक और सर्कुलर लूप रखते हैं, तो ऑब्वियसली ये करंट कैरिंग एलिमेंट है. तो अगर एक करंट कैरिंग एलिमेंट को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या होगा, फोर्स जनरेट होगा. सो अगेन ये कंडक्टर इस पे, या कह सकते हैं ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, और जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ वो इस कंडक्टर पे फोर्स लगाया. सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर, टोटली ऑल अबाउट द, वी कैन से what kind of force, means the force on current carrying conductor, यानी कोई भी अगर current carrying conductor है उसको हम external magnetic field में अगर रखते हैं तो उस current carrying conductor पे force लगेगा. उस force की जो magnitude होगी वो depend करती है angle, यानी angle क्या क्या मतलब हुआ कि जो current carrying conductor है उसमें current के direction और जो magnetic field जिसमें हम रख रहे हैं उस magnetic field का direction, इन दोनों vector यानी करंट का और मैग्नेटिक फील्ड का, दोनों के डायरेक्शन के में क्या एंगल, दोनों के वेक्टर में क्या एंगल है, उस पे फोर्स की मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगी. अगर दोनों पैरेलल है, मैंने करंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, थीटा विल बी जीरो और 180, साइन थीटा विल बी जीरो इन दैट केस. सो वी कैन से दैट फोर्स जो होगा वो जीरो होगा. और अगर थीटा जो है यानी करंट और वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड जो वेक्टर है उन दोनों के बीच का एंगल जो थीटा है वो जीरो या 180 से अलग है, आइदर 90 और समथिंग एल्स, इन दैट केस फोर्स लगेगा. मैक्सिमम फोर्स कब आता है, जब दोनों के बीच का एंगल 90 हो, दैट इज आई बी एल मैक्सिमम है. सो बेसिकली ये फोर्स का मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन है. नेचर यानी डायरेक्शन किधर होगा फोर्स का, उसको हम राइट हैंड थंब रूल से यूज करते हैं. सो बेसिकली अगर इस कंडक्टर की बात करें तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल करंट इधर है, राइट हैंड थंब रूल का हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लिखा राइट हैंड रूल से यूज करके. तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें पता है, दैट इज इनसाइड द प्लेन. अब इस पे फोर्स किधर लगेगा उसको देखने के लिए करंट आई के डायरेक्शन में हम पॉइंट करेंगे, मैग्नेटिक सॉरी करंट आई के डायरेक्शन में वेक्टर को रखेंगे फिंगर को, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे फिंगर को. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट,
और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इसको जब कर्ल किया तो मैं फोर्स इधर लगा, यानी फोर्स इसमें इस डायरेक्शन में होगा। अगर यही कंडक्टर इस डायरेक्शन यहां होता, कंडक्टर अगर यहां है इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन है। नाउ इस पे क्या होगा, करंट का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटसाइड है, करंट का डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटसाइड, तो फोर्स क्या लगेगा इस डायरेक्शन में। सो बेसिकली दिस होल लेक्चर इज अबाउट द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो बेसिकली इस पूरे लेक्चर से हम समझ सकते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग, जैसे कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट होता है वो सराउंडिंग में रखते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। सिमिलरली कॉन्ट्रेरी, अगर किसी करंट कैरिंग एलिमेंट को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस करंट कैरिंग एलिमेंट पे फोर्स जनरेट होता है। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर एंड वी विल ज्वाइन इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ अ न्यू टॉपिक। थैंक यू।